बस ये है इसका बैरिंग, देख रहे हो कितनी हालत ख़राब है। ये टूट गया पूरा। अभी क्लच भी खुलवा रहा हूँ, फिर देखते हैं। अब हम गियर डालेंगे। गियर सारे बड़े स्मूथ पड़ रहे हैं, आए हैं मज़ा आ गया। इशारा कर रहा हूँ बस, देख रहे हो रिवर्स। आए है ये गियर भी बढ़िया हो गए। अब एक बार वो टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना। चलो तो गाड़ी में ये लाइटें भी आ रही हैं, देखो चेक इंजन लाइट है और ये लाइट है। ये गाड़ी रात क्रेन से हमारे पास आई है। अब इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो रहा है, जैसे गियर लगाते हैं, गियर लगाने के बाद गाड़ी आगे मूव नहीं हो रही। कस्टमर से जब बात की हमने तो उसने बताया कि क्लच पेडल पूरा डाउन हो गया और उसके बाद मैं गियर लगा रहा हूँ और एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो गाड़ी बिल्कुल भी मूव नहीं हो रही है। आज इसी चीज़ को चेक करने वाले हैं, इसके अंदर क्या कमी निकलने वाली है। अंदर दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्लच पैडल है ये, हल्का सा इतना ही दब रहा है, पूरा नहीं दबना चाहिए। अब देखो पूरा दबा भी रहा हूँ ना, छोड़ रहा हूँ तो इस ब्रेक पैडल से लेवल देखो, बिल्कुल नीचे चला गया। टॉर्च ऑन कर लो, अभी देखो ये ब्रेक पैडल यहाँ पर है और वो बिल्कुल नीचे जाके है, ठीक है। इतना ही काम कर रहा है, ऊपर आ जाओ। पैडल को मैं दबा रहा हूँ, गियर सारे प्रॉपरली पड़ रहे हैं, ठीक है। इससे क्लियर हो गया, गियरों में तो कुछ इशू लग नहीं रहा और ना ही गियर बॉक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है। अभी किलोमीटर देख लेते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है। गाड़ी चल गई है ओडोमीटर में 93,067 किलोमीटर, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 100,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब देखते हैं आगे अंदर बैठ के सारे। तो अभी गियर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इससे पता चल गया गियर वायर भी बिल्कुल ओके है। रिवर्स गियर लगाओ, रिवर्स भी प्रॉपर पड़ रहा है। न्यूट्रल करो, ठीक है। रिवर्स गियर फिर से लगाओ, इसका मतलब गियर सारे प्रॉपर पड़ रहे हैं। क्लच दबाओ, क्लच तो क्लच देख रहे हो हल्का सा ही मूव हो रहा है, हल्का सा बहुत, और बहुत ही ज़्यादा ओवर टाइट हो रहा है, मतलब चूड़ी बहुत ज़्यादा चढ़ा रखी है, ठीक है। तो मुझे पंगा इसके गियर बॉक्स के अंदर ही लग रहा है, मतलब क्लच के से रिलेटेड लग रहा है। तो इस क्लच को मैं खुलवाता हूँ, फिर देखते हैं क्या निकलता है। चलो क्लच खोल लो, इसका फिटिंग खुलना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये क्लच वायर है इसका, इसको देखेंगे। वैसे तो ये ठीक है, ये वायरें भी निकल गई हैं। करते हैं इसको फटाफट, खोल लेते हैं पहले। पंगा अंदर ही है, उसको खोलते हैं गियर बॉक्स को, तब देखेंगे क्या निकलता है। एक्सल वगैरह सब निकल गए हैं, ठीक है, दोनों साइड के। यहाँ से ये पैकिंग भी लीक है इसकी, टैपिट कवर की, ये कंप्लीट टैपिट कवर ही बदलता है। दूसरी पैकिंग डाल दो तो बहुत कम ही सक्सेस होती है वो। ये गियर ऑयल गाड़ी के अंदर से निकला है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, काला काला हो रखा है। ये पार्टिकल भी अलग ही सही दिख रहे हैं इसमें, देखो कलर चेंज हो जाता है। तो ये 90,000 के ऊपर गाड़ी चल गई है, तो इसका क्लच आज तक हुआ नहीं है। जिस कंडीशन में इसके बोल्ट खुल रहे हैं ना, बहुत ही हार्ड बोल्ट खुल रहे हैं, तो इसको गियर ऑयल को भी हम चेंज करेंगे, ज़रूरी है चेंज करना। 60,000 पे गियर ऑयल चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये 90,000 चल गया, इसको हम बदलेंगे। गियर बॉक्स निकाल लिया है, क्लच ख़राब हो रखी है, ठीक है, और मेन चीज़ यहाँ है, ये रहा गियर बॉक्स बाहर। बैरिंग का टूट के चूरा हो गया, कचरा एकदम, देख रहे हो। इसी वजह से गियर नहीं पड़ रहे थे। अब इसे खोलते हैं, निकालते हैं, क्या हालत होगी यार ये। इसको निकाल लियो बाहर, निकालो ज़रा, सारे बैरिंग को बाहर ले लो, ये सब कचरे भी निकाल लो सारा बाहर। पलट दो एक बार हल्का सा, बस ये है इसका बैरिंग, देख रहे हो कितनी हालत ख़राब है। ये टूट गया पूरा। अभी क्लच भी खुलवा रहा हूँ, फिर देखते हैं। अभी इसका क्लच खोला है तो प्रेशर प्लेट देखो, पहले बैरिंग की वजह से कट गया पूरा, ये देख रहे हो,
ये पूरे दांते कट के एकदम बेकार हो गए अंदर तक। अब ये है क्लच प्लेट, 90,000 गाड़ी चल गई है, बिल्कुल इस पे आ गया सरफेस पे, ठीक है। ये क्लच प्लेट हम चेंज करने वाले हैं, चलेगी नहीं ये ज़्यादा दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 किलोमीटर, इसके लिए दोबारा इसको खोलना ठीक नहीं है। तो ये क्लच प्लेट भी हम चेंज करने वाले हैं। लक्का है इसके अंदर, और ये है देखो इधर से भी इसको बदलेंगे क्लच को। ये बैरिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है इसमें, ये बैरिंग टूट गया। तो अभी इसका हम क्लच प्लेट बदलने वाले हैं, क्लच बैरिंग बदलने वाले हैं, और ये गियर ऑयल चेंज करने वाले हैं। तीन चीज़ें हम इसमें बदलेंगे। ये इसका फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है, हल्का बुल्का सा हीट हो रखा है क्लच की वजह से। इसको एक माल मार के चलाएंगे। नया क्लच सेट मंगवा लिया है, बिल्कुल ओरिजिनल लक का ही है। देखो ये रहा LUC, ठीक है, LUK। और यहाँ पर देखो जो पुराना है इसका लक, ठीक है, ये रहा, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। जोन सा वाला निकला है, वही वाला क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हम गाड़ी में डाल रहे हैं। और ये बैरिंग की वजह से कट गया, ये देखो पूरा, और ये बिल्कुल नया है सेट, ठीक है। अब क्लच प्लेट पे आ जाओ, देखो लक और ये रहा लक, सेम टू सेम वही पार्ट डाल रहे हैं जो इसके अंदर से निकला है, ठीक है। तो ये डाल देते हैं, बैरिंग भी दिखा देता हूँ। बैरिंग ये वाला है, निकला है इसके अंदर, तो हम ये वाला डाल रहे हैं। ये बैरिंग जो था इसका पूरी तरह चूरा हो गया था, ठीक है, तो इस बैरिंग को हम इसमें डालेंगे। ये भी ओरिजिनल ही है, तो इसको लगवा देता हूँ मैं। बढ़िया से सफाई कर ली है इसकी, गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, जितना धूल मिट्टी निकलनी थी निकाल दी हमने, अब पैक कर देते हैं। क्लच बैरिंग लगा दिया है, नया क्लच सेट फिक्स कर दिया है, ठीक है। सामने से दिखाता हूँ जरा, ये रहा सेंटर भी बिल्कुल ओके ओके है, और क्लच बैरिंग इसमें लगा दिया। अब इस गियरबॉक्स को बिठाएंगे इसमें, चलो अब इसको फिटिंग कर देते हैं। गियरबॉक्स को बॉक्स चढ़ा दिया है, फिटिंग हो गई है प्रॉपर, ऊपर नीचे से दोनों साइड से। ये बस अब क्लच लगा दिया है जी, गियर ऑयल डाल रहा हूं बस जी। माउंटिंग भी टाइट कर दिया, बस अब एक्सल वगैरह लगा के फिटिंग कर रहे हैं। एक्सल वैक्सल लग के गाड़ी पूरी हो गई है सेट, गियरबॉक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, इधर का टायर भी लगना स्टार्ट। ये वाला गियर ऑयल मैं इसमें डाल रहा हूँ, 80W90, ठीक है, कैस्ट्रोल वाला, सबसे अच्छा गियर ऑयल होता है ये, इसको डाल देता हूँ मैं। डालो भैया, बहुत आराम आराम से जाता है गियर ऑयल नीचे तक। कैस्ट्रोल EP90 बहुत अच्छा होता है ये। चलो इसको पूरा कर देते हैं गियर ऑयल का। तो अभी ये लाइट आ रही है गाड़ी में, देखो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, ये देखो RPM, ठीक है। अब ये लाइट किस चीज़ की है, इनको रेस करते हैं, और ये पास्ट में प्रेजेंट में क्या है इनको चेक करते हैं एक बार। गाड़ी हो गई है स्टार्ट, बिल्कुल ओके, ठीक है। अब मीटर में चलते हैं, स्कैन करके वो लाइट को रेस कर दिया था, क्योंकि समटाइम ये होता है ना कि बैटरी का टर्मिनल ना खोलें और फिटिंग खोलते चले जाएं, तो उस कंडीशन में यही हो जाता है, समटाइम लाइट रह जाती है, तो वो भी लाइट अब हमने रीसेट कर दी है, ठीक है। P0420 कोड आ रहा था, वो सही कंबंसन ना हो गाड़ी के अंदर तभी आता है, या तो कैथलिक कन्वर्टर ख़राब हो या ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो। अगर फिर से वो लाइट आ गई तो फिर ये दोनों चीज़ें चेक करी जाएंगी। अभी देखो पहले है क्लच, देखो आप पैडल देख रहे हो, समांतर हो गए एकदम, ये देखो, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने बराबर है एकदम। अब हम गियर डालेंगे, गियर सारे बड़े स्मूथ पड़ रहे हैं, आए हैं मज़ा आ गया, इशारा कर रहा हूँ बस, देख रहे हो रिवर्स, आए है ये गियर भी बढ़िया हो गए। अब एक बार वो टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना। चलो तो लग गया है, R शो हो रहा है, ठीक है,
चलो। आए हाय हाय, सीट बेल्ट की लाइट। लो जी, हमने सीट बेल्ट भी लगा ली है, सेकंड गियर है, बहुत बढ़िया। थर्ड गियर, मज़ा आ गया भाई। फोर्थ, बहुत बढ़िया, गाड़ी एकदम परफेक्ट चल रही है, कोई लाइट वगैरह नहीं है। सर्विसिंग के लिए भैया सर से बोला था हमने, तो उन्होंने बताया कि इसकी सर्विसिंग हो चुकी है, लेकिन इंजन ऑयल के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि सर्विस थोड़ा टाइम हो गया है गाड़ी को। तो अभी ये एकदम परफेक्ट हो गई है गाड़ी। क्लच बैरिंग इसका बिल्कुल बुरी तरह टूट गया था, पैडल पूरा नीचे डाउन हो गया था, नीचे डाउन का डाउन इसलिए रह गया था, तो फोर्क जो है ना बैरिंग के जो कोन होती है वो फोर्क को अटका के नीचे ही बैठ गई थी, वो आगे पीछे उसको होने ही नहीं दे रही थी। तो अभी एकदम परफेक्ट है, मज़ा आ गया क्लच में भाई। बस यही था इसमें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।